हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग बाय जेरोमी के जेरोमी। ये जो चैप्टर है पैकिंग, ये एक नॉवेल थ्री मैन इन अ बोट से लिया गया है जो जेरोमी के जेरोमी ने लिखा है इसको। ये जो स्टोरी है ये पैकिंग के आर्ट के ऊपर है कि कौन कितना अच्छा या पैकिंग करने का क्या तरीका होता है। और ये एक मज़ेदार इंसिडेंट के ऊपर है जो मतलब नरेटर और उनके जो दो फ्रेंड थे उन लोग ने जब एक बोट ट्रिप के लिए प्रिपेयर हो रहे थे तो अपनी पैकिंग कर रहे थे तब का ये स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नरेटर वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप विथ हिज फ्रेंड जॉर्ज एंड हैरिस। ही टोल्ड देम दैट ही वुड डू पैकिंग। दे एक्सेप्टेड हिज ऑफर एंड रिलैक्स वाइल ही पैक्ड द बैग। द नरेटर्स रियल इंटेंशन वॉज टू सुपरवाइज हिज फ्रेंड्स इन पैकिंग। ही वॉन्टेड टू टीच हिज फ्रेंड हाउ टू पैक। हाउ एवर दे मिस इंटरप्रेटेड हिम। एज अ रिजल्ट नरेटर हैड टू डू द पैकिंग। ये जो चैप्टर है पैकिंग के ऊपर है ये हमने पहले ही बता दिया था और इसको फनी वे में लिखा गया है। तो ये जो इसमें के नरेटर हैं, इस स्टोरी के नरेटर हैं जेरोमी के जेरोमी, उन्होंने बताया है कि जब एक बार उनको अपने फ्रेंड्स के साथ बोट ट्रिप पे जाना था, उनके जो दो फ्रेंड थे जॉर्ज और हैरिस, उन लोगों के साथ उनको बोट ट्रिप पे जाना था। तो उन्होंने कहा था उन लोगों से कि तुम लोग रुको जब तक मैं पैकिंग करता हूँ। वो सोचते थे कि वो पैकिंग के मास्टर हैं, उनसे अच्छा कोई भी पैकिंग नहीं कर सकता। और वो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रहे थे अपने इस टैलेंट को कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैकिंग करते हैं, बहुत ही कम टाइम में करते हैं। और अपने फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रहे थे, अपना बहुत ही ज़्यादा बोस्ट कर रहे थे कि वो पैकिंग के मास्टर हैं। और उनके फ्रेंड ने फिर सोचा, उन्होंने एक्सेप्ट किया उनके ऑफ़र को और रुक गए जब तक बैग ना पैक हो जाए। नरेटर का जो रियल इंटेंशन था, जो जैसा कि हमने बताया कि वो अपने फ्रेंड्स को दिखा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे कि वो मास्टर ऑफ पैकिंग है, पैकिंग के मास्टर हैं, उनसे अच्छा कोई भी पैकिंग नहीं कर सकता। तो फिर क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा फनी इंसिडेंट्स हुए और नरेटर ने पैकिंग शुरू कर दी। देन द नरेटर स्टार्टेड पैकिंग। इट टुक हिम अ बिट लॉन्गर दैन ही हैड एक्सपेक्टेड। ही पैक्ड द बैग बट फॉरगॉट टू पुट द बूट्स इनसाइड, सो ही हैड टू रीओपन द बैग एंड पुट देम इन। ही फॉरगॉट वेदर ही हैड पुट हिज टूथब्रश इन द बैग और नॉट, सो ही हैड टू ओपन द बैग अगेन एंड एम्प्टी इट्स कंटेंट। ही पुट द कंटेंट्स बैक इन द बैग बाय शेकिंग देम वन बाय वन एंड फाउंड हिज टूथब्रश इनसाइड अ बूट। ही हैड टू रीओपन द बैग वंस अगेन एज ही हैड फॉरगॉट हिज स्पेक्स इन द बैग। तो फिर जब क्या हुआ, नरेटर ने पैकिंग स्टार्ट कर दी और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लग गए कि मैं मास्टर हूँ पैकिंग का, जस्ट अ मिनट में मैं पैकिंग पूरी कंप्लीट कर दूँगा। लेकिन जो नरेटर थे जेरोमी के जेरोम, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत ही जल्दी पैकिंग ख़त्म कर लेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे ही पैक। लेकिन क्या हुआ, फिर उन्होंने पैकिंग स्टार्ट कर दी, पैकिंग एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा पैकिंग हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, वो अपना बूट्स, अपने जूते रखने भूल गए बैग में। फिर से उनको अपना बैग खोलना पड़ा और जितने भी सामान उन्होंने बैग के अंदर रखे थे उसको निकाला, अपना बूट देखा कि है कि नहीं, फिर उन्होंने बूट उसके अंदर रखा, फिर बैग को बंद कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने अपने टूथब्रश को रखा है कि नहीं रखा बैग में, वो कंफर्म नहीं थे, श्योर नहीं थे। तो उसके लिए उनको फिर से अपने बैग को खोलना पड़ा, सारी चीज़ें बारी बारी से निकाल के उन्होंने देखा कि उन्होंने टूथब्रश रखा है कि नहीं। जब उन्होंने सारे चीज़ बैग से निकाला, फिर उसके बाद जब बूट को शेक किया तो उसके अंदर से टूथब्रश निकला, मतलब जो टूथब्रश था उन्होंने बूट के अंदर रख दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से बैग पैक किया और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो फिर से कंफ्यूज हो गए और अपने बूट वूट को सब चीज़ को उस बैग के अंदर पैक किया और बैग को फिर से उन्हें खोलना पड़ा, क्योंकि वो अपने स्पेक्टेकल्स जो चश्मे थे बैग में वो रखना भूल गए थे। तो उन्हें फिर से वापस से बैग खोल के स्पेक्टेकल्स रखने के बाद
पैकिंग फिर से करनी पड़ी। नेक्स्ट है, जॉर्ज आस्क्ड द नरेटर वेदर ही हैड पैक्ड द सोप और नॉट। द नरेटर गॉट एक्सट्रीमली एंग्री हियरिंग दिस एज ही हैज ऑलरेडी ओपन्ड एंड पैक्ड द बैग एज अ फ्यू टाइम्स। सो जॉर्ज एंड हैरिस टुक द टास्क ऑफ कंप्लीटिंग द रेस्ट ऑफ द पैकिंग। जॉर्ज जो थे नरेटर के फ्रेंड, उन्होंने नरेटर से पूछा कि उन्होंने सोप को रखा है कि नहीं रखा बैग में। तो वैसे भी जेरोमी जो थे, उन्होंने इतने टाइम्स बैग को बार बार खोला, फिर रीपैक किया, फिर रीओपन किया, फिर रीपैक किया। तो वो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो गए, क्योंकि बहुत बार वो बैग खोल चुके थे, बहुत बार पैक कर चुके थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो पैकिंग का टास्क था उसको अपने फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस को दे दिया, और उन्होंने कहा कि अब पैकिंग तुम करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गया हूँ, कभी ना कुछ हर बार घट जाता है। तो जॉर्ज और हैरिस जो थे नरेटर के फ्रेंड, उन्होंने इसका टास्क कंप्लीट किया, टास्क लिया और पैकिंग करने लग गए। नेक्स्ट है, जॉर्ज एंड हैरिस कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स वाइल पैकिंग। दे ब्रोक कप्स, पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड व्हेन दे नीडेड देम। पैक्ड हैवी थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ लाइट थिंग्स एंड स्टेप्ड ऑन थिंग्स। तो फिर क्या हुआ कि जब नरेटर ने अपना जो पैकिंग कर रहे थे, उन्होंने पैकिंग का टास्क अपने फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस को दे दिया, तो उन लोग ने नरेटर से भी ज़्यादा गलतियां करनी शुरू कर दी पैकिंग के टाइम पे, और बहुत सारी गलतियां की। उन्होंने कप तोड़े, और जो भी सामान पैक करना होता था उसको पीछे साइड में रख देते थे, और फिर जब उनको उनका टर्न आता था तो वो उसको ढूंढने लग जाते थे। और क्या किया उन्होंने, जो भारी चीज़ें होती थी उनको लाइट हल्की चीज़ों के ऊपर भारी चीज़ रख दिए, जिससे बहुत सारी चीज़ टूट गई। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन लोगों ने पैर रख दिया, जैसे एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था स्टोरी में बटर का, क्योंकि बटर ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया था स्टोरी में, क्योंकि जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग कर रहे थे तो जॉर्ज जो थे वो बटर के ऊपर चले, और क्या हुआ, जो बटर था उनके स्लीपर में स्टक हो गया, और फिर उन्होंने क्या किया, बटर को उठा के चेयर पे रख दिया, और फिर जो हैरिस थे वो चेयर पे बैठ गए। अब जो बटर था उनके बैग में चिपक गया, फिर वो सब जगह ढूंढ रहे हैं बटर को। तो ये बहुत ही ज़्यादा फनी इंसिडेंट था बटर से रिलेटेड। तो ये किसी तरह उन लोग ने पैकिंग शुरू की और करते रहे, बहुत सारी गलतियाँ की। अब आगे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट है, मॉन्टमोरेंसी नरेटर्स पेट डॉग कैम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, पुट हिज लेग इनटू द जैम एंड स्कैटर्ड द टी स्पून। ही वेंट इनटू द हैम्पर एंड अटैक थ्री लेमन्स, थिंकिंग देम टू बी रैट। ही वॉज शूटेड अवे बाई हैरिस। तो फिर इसमें ये जो पैकिंग हो रही थी, इसमें नरेटर जॉर्ज और हैरिस के अलावा एक और मेंबर ने कंट्रीब्यूट किया पैकिंग में, वो था नरेटर का पेट डॉग जिसका नाम था मॉन्टमोरेंसी। तो वो क्या किया उसने, वो आया और जहाँ पे पैकिंग हो रही थी वहाँ पे चीज़ों पे बैठ गया, उसने अपने पैर को जैम के अंदर डाला और सब जगह जैम को फैला दिया, और जो टी स्पूंस थे उसको भी स्कैटर कर दिया, और वहाँ पे लेमन रखे हुए थे। तो वो जो मॉन्टमोरेंसी था नरेटर का पेट डॉग, उसने सोचा कि ये रैट हैं, तो उसने उन लेमन्स के ऊपर अटैक कर दिया। फिर क्या हुआ, जो हैरिस था उसको भगा दिया, हैरिस ने नरेटर के पेट डॉग को वहाँ से हटा दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा था और अच्छा नहीं हो रहा था वहाँ पे, इसलिए उसने वहाँ से हटा दिया। फाइनली द पैकिंग इंड लेट इन द नाइट एट 12:50 AM। द थ्री फ्रेंड्स वर वेरी टायर्ड एंड डिसाइडेड टू स्लीप। बिफोर स्लीपिंग दे हैड एन आर्ग्यूमेंट अबाउट व्हेन टू वेक अप इन द मॉर्निंग। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारी मेहनत के बाद, कई बार बैग को रीओपन रीपैक करने के बाद, फिर किसी तरह जो है पैकिंग ख़त्म हुई, और बहुत रात को 12:50 पे ख़त्म हुई, 12:50 AM पे। और जो तीनों फ्रेंड थे बहुत ही ज़्यादा पैकिंग कर कर के थक गए थे, और उन्होंने सोने के लिए डिसाइड किया, और फिर उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि अब कितने बजे सुबह उठना है, मॉर्निंग में कितने बजे उठना है।
सो फाइनली पैकिंग हो गई। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना।